हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स का रिव्यू, जो कि होने वाला है कम्प्लीटली ब्रूटल ऑनेस्ट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग क्लेंजिंग लोशन का यूज़ कर रहे होते हैं, बट उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि किस किस स्टेप पे उनके स्किन पे कितना मेकअप रेजिड्यू रह जाता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे एक अमाउंट ऑफ मेकअप रेजिड्यू रह जाता है, तो उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे कम्प्लीटली मेकअप को रिमूव करना चाहिए, और इन सभी प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाली हूँ, और ये भी बताऊँगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वर्थ है या नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप मेक श्योर कर लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इस वीडियो को लाइक कर दिया है, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, और ऐसे ही वीडियो सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके पास अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ले आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम वाला क्लेंजिंग लोशन मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके 3 से 4 पंप यूज़ किए हैं मैंने, और इसको अपने पूरे फेस पे मसाज कर रही हूँ, जिससे कि ये हेल्प करे मेरे फेस पे जो मेकअप है उसको ब्रेक डाउन करने में, यानी कि उसको मेल्ट करने में, जिससे कि वो इजीली रिमूव हो जाए। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे जो मेकअप है उसको मसाज कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से वो मेल्ट डाउन हो जाए, एंड देन लास्ट में अपनी आइज़ पे करूँगी, और आइज़ पे भी बहुत ही जेंटली होके इसको मसाज करूँगी। नाउ ये जो क्लेंजिंग लोशन है ऑरेंज ब्लॉसम का है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी लाइट वेटेड है आपकी स्किन पे। जिनको हैवी क्लेंजिंग लोशन यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसका जो प्रोडक्ट है काफ़ी लाइट है। जब आप इसको अच्छे से मसाज करते हैं तो ये आपके वाटरप्रूफ मस्कारा को भी ब्रेक डाउन कर देता है, वो इजीली रिमूव हो जाता है। और बट इसको ये है कि आपको मसाज करना होगा अच्छे से, जब तक कि आपका जो फेस पे मेकअप है वो बिल्कुल भी मेल्ट डाउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैं कितनी जेंटली होके कितने पेशेंटली मसाज कर रही हूँ, वैसे ही सेम आपको भी मसाज करना है, जिससे कि जो भी आपके मेकअप का रेजिड्यू है वो मेल्ट डाउन हो जाए और आपकी स्किन से निकल जाए। मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा वेयर किया हुआ है, तो इसलिए मैं आईज़ को काफ़ी जेंटली होके रब कर रही हूँ, और मैंने मेरा जो मेकअप था, बेस मेकअप था, वो भी काफ़ी हैवी था, तो ये हैवी मेकअप को भी ब्रेक डाउन कर देता है। और इस क्लेंजिंग लोशन का ये अच्छी बात है कि बहुत लाइट वेटेड है आपकी स्किन पे, और अच्छे से अच्छा मेकअप को भी ये मेल्ट डाउन कर देता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक टिश्यू लिया है मैंने और उससे उसको पोंछ रही हूँ। मैंने जनरली देखा है कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ अगर आप मेकअप को रिमूव नहीं कर रहे हो तो सिर्फ क्लेंजिंग लोशन का ही यूज़ कर लो और ऐसे सो जाओ, बट ऐसा करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप क्लेंजिंग लोशन का भी यूज़ कर लेते हो, अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम क्लीन लग रही है, बट एक्चुअल में इस पर बहुत सारा मेकअप रेजिड्यू है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं माइसलर वाटर लिया है क्लीन कॉटन पैड पे, और आपको दिखा रही हूँ कि हाफली और हाफ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मेकअप रिमूव होगा स्टिल क्लेंजिंग लोशन करने के बाद, मतलब जितना मैंने मसाज की है उसके बाद भी कितना ज़्यादा मेकअप आ जाएगा इस कॉटन पैड पे, जो कि आप देखेंगे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मेकअप रिमूव करना होता है बट सिर्फ एक ही स्टेप करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। जैसे कि कॉटन पैड में देखिए कितना मेकअप आया है, वो भी हाफ साइड से मेरे फेस के। तो क्लेंजिंग लोशन के बाद हमेशा यूज़ कीजिए एक अच्छा फेस वॉश, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का नीम वाला फेस वॉश। ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर उनकी स्किन पे एक्नेस है, क्योंकि ये नीम फेस वॉश है। अभी इस टाइम पे मुझे थोड़े बहुत एक्नेस हो रहे हैं जो कि एक्टिव हैं, और कुछ उनके ब्लेमिशेस हैं जो कि चले जाते हैं थोड़े टाइम में, बट यहाँ पे अगर मैंने क्लेंजिंग कर लिया, उस क्लेंजिंग करने के बाद भी जो मेकअप बचा हुआ है उसको भी हमें रिमूव करना है, उसके लिए हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, और ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, काफ़ी जेंटल होता है आपकी स्किन पे। लाइक अगर आपने बहुत ही हैवी मेकअप यूज़ किया हुआ है तो उसके लिए आपको अच्छा वाला फेस वॉश यूज़ करना है, जिससे कि आपके मेकअप का कोई भी रेजिड्यू हो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। इसको फेस वॉश करने के बाद भी, अभी आपको जब मैं कॉटन से रिमूव करके दिखा रही हूँ, अपने फेस को वाइप करके दिखा रही हूँ,
तभी भी आप देखेंगे कि कितना मेकअप रेजिड्यू आया है मेरी स्किन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली कि कितना मेकअप रेजिड्यू दिख रहा है मेरी कॉटन पैड पे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ फेस वॉश कर ली या क्लेंजिंग कर ली, डबल क्लेंजिंग बेसिकली कर ली, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं स्किन को, तो आप एक बार ये भी ज़रूर ध्यान दें कि कितना आपका मेकअप रह जाता है। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फेस पैक का। आप स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने स्क्रब स्किप कर दिया है क्योंकि फेस पैक अच्छा हो जाता है, क्योंकि डबल क्लेंजिंग ऑलरेडी हो गई मेरी। मेरी स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव है, तो आज मैंने स्क्रब करना अवॉइड किया क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैंने स्क्रब किया था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक्टिवेटेड चारकोल का फेस मास्क। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल का है क्योंकि चारकोल काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन को डीपली क्लेंस करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। तो और साथ ही साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पे फेस मास्क अप्लाई करने के बाद, ये जो मैं कॉटन से वाइप ऑफ कर रही हूँ अपने फेस को, तो यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं आया था मेरे स्किन पे। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो ही करने होते हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन सभी स्टेप्स के बाद की, और एक क्लीन कॉटन पैड से जरूर वॉश ऑफ करके देखिए अपने स्किन को कि कितना मेकअप रेजिड्यू आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेस मास्क क्लीन करने के बाद मेरे फेस पे इतना क्लीन लग रहा है, और इस टाइम पे यहाँ पे एक भी सिंपल रेजिड्यू नहीं है मेरी स्किन पे। तो ये था कुछ प्रोडक्ट्स, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी जेंटली रहे हैं मेरी स्किन पे। ओवरऑल 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, वो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट शर्त ये है कि आपको एक एक स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा आपकी स्किन की केयर करने के लिए और आपकी स्किन से मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो ही ये बेस्ट होते हैं और इनको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरी वीडियो को, जिससे कि ये हेल्पफुल रहे बाकी लोगों के लिए भी। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बराबर में जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाओ। और कोई भी अगर वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी आपके लिए। और तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।